हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया का ऑल पर्पस इमरजेंसी नंबर 112। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए, रेलिवेंस क्या है इस टॉपिक का। मेन्स पेपर 2 जो है ई गवर्नेंस, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ERSS क्या है, जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है, सब्जेक्टिव लेवल के लिए यूटिलिटी बेनिफिट्स क्या हैं ERSS के, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, दिल्ली अब 5th यूनियन टेरिटरी बन गया है, पुडुचेरी और दमन दीव दादरा नगर हवेली के बाद, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बाद, जिसने ERSS जो सिस्टम है उसको इनागोरेट किया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए, पहले से ही 112 इमरजेंसी नंबर काफ़ी समय हो गया इंडिया का ऑल इंडिया इमरजेंसी नंबर घोषित किया गया है, और अब धीरे धीरे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इसको अपना रही हैं। और अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली ने भी फाइनली इसका इनॉग्रेशन जो है वो कर दिया है। अगर हम नवंबर 2018 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहली इस तरह की स्टेट बन गई थी जिसने ERSS को रोल आउट किया था, शुरू कर दिया था, और सिंगल इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर पूरे देश, अपने पूरी कंट्री में जो 112 बना दिया गया है, उसने अपने स्टेट में इस चीज़ को लागू कर दिया था। अब देखिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। भारत में ये डिसीजन कि हम ERSS सिस्टम को लॉन्च करेंगे, ये कब लिया गया था, 2012 में। आपको पता ही है बहुत ही इनफेमस दिल्ली बस गैंग रेप केस निर्भया जो हुआ था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया था। वुमेन सेफ्टी को लेकर देश में बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए, इस वजह से ये चीज़ रोल आउट की गई कि हम लॉन्च करेंगे इस तरीके का सिस्टम जो कि पूरे देश में हमारा इमरजेंसी नंबर 1 रहेगा। अब जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने जो रिकमेंडेशंस हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की, उसको भी एक्सेप्ट किया काफ़ी हद तक, जब ये निर्भया हुआ 2012 में दिसंबर में, और जो अप्रूव किया कि एक नेशनल प्रोजेक्ट जो है ERSS करके उसको शुरू किया जाए। तो यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी का जिक्र हुआ है, इसलिए हम इसको भी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ERSS को पहले हमारे देश में रेफ़र किया जाता था नेशन वाइड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, NERS, ओके। लेकिन अब जब हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर 112, किसी भी तरह के लिए, चाहे किसी भी तरह की डिस्ट्रेस कॉल हो, आप पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, फायर वालों को कॉल करना चाहते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहते हैं, एट्सेट्रा, जितने भी आपके या डिज़ास्टर रिलेटेड कोई बात है, तो आपको एक ही नंबर रहेगा, वो होगा क्या, 112। अब देखिए, यहाँ पे बात है कि 112 को ही क्यों हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी वर्किंग जानने से पहले कि 112 को क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है, कोई और नंबर भी हो सकता था। देखिए, अगर सिंगल इमरजेंसी नंबर रहता है ERSS के अंदर, तो ये लोगों के लिए बहुत इजी बन जाता है कि अगर हम विद इन द स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं देश के अंदर, तो हमको बहुत सारे नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह में यूजुअली देखा जाता है कि लोकल इमरजेंसी नंबर अलग होते हैं। तो 112 क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है इसको याद रखना, और मोर ओवर एक ही इमरजेंसी नंबर होगा पूरे देश का, तो इसको याद रखना, यूज़ करना, फ़ोन में डायल करना कभी इमरजेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जब किसी पे कोई मुसीबत आती है या इस तरह का कोई डिस्ट्रेस आता है, तो कई बार हम नंबर्स जल्दी में भूल जाते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है या हम पैनिक कर जाते हैं, तो इस तरह का नंबर डायल करना बहुत इजी रहता है। अब देखिए, ये वर्क कैसे करेगा। एग्जिस्टिंग नंबर्स जैसे हैं, आपको पता ही है कि हम पुलिस के लिए हम 100 डायल करते हैं, 101 हम फायर के लिए डायल करते हैं, 108 हेल्थ सर्विसेज के लिए होता है, वुमेन हेल्पलाइंस हैं जैसे 1091, 181, चाइल्ड हेल्पलाइंस हैं 1098, एट्सेट्रा, ये सब
अल्टीमेटली इनको हम इंटीग्रेट किस में कर देंगे, 112 में, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि इतने सारे नंबर्स हम कैसे याद रखेंगे. कि सपोज़ कहीं पे आग लग गई और हम 100 पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ पे तो कॉल करने का फ़ायदा नहीं, हम फिर से डायल करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो यहाँ पे उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को संभालने के लिए और जो भी डिज़ास्टर हुआ है या जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको जल्दी से जल्द ठीक करने के लिए 112 को डिसाइड किया गया है. और ऊपर से इंडिया में ऐप भी लॉन्च की गई है एज वेल, 112 इंडिया, जिससे यूज़र्स रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस के पास, फिर आराम से जो भी आपकी कंप्लेंट है आप वहाँ पे डाल सकते हैं जब भी इमरजेंसी के टाइम. अब देखिए 112 जो है, ये बाकी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये इमरजेंसी नंबर है. इनफैक्ट आपके यूरोप में भी 112 को ही यूज़ किया जाता है. अब देखिए अगर हम ERSS इस प्रोजेक्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इसके लिए 321.69 करोड़ जो है निर्भया फंड के अंदर सैंक्शन किया है कि इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए. तो यहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा पैनिक बटन, कि आपके फ़ोन्स में एक पैनिक बटन रहेगा स्मार्टफोन्स में, कि वो जैसे ही डायल होगा तो 112 पे कॉल चली जाएगी. और इसका इफ़ेक्टिवनेस 112 का, कि इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा रहे, इसको लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करते हैं उसके साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि जब भी आप 112 डायल करें तो आपकी लोकेशन इमीडिएटली आगे जिसके पास कॉल कर रहे हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास चली जाए. तो इसी के साथ साथ जब हिमाचल प्रदेश में इसको रोल किया गया उसी के टाइम आसपास सेफ्टी फीचर जो है वुमेन के लिए भी डाला गया, कि वुमेन जो हैं उनकी सेफ्टी हम इंश्योर कर सकें, तो इसमें एक फीचर डाला गया शाउट फीचर. इस फीचर में क्या है कि आपको इमीडिएट असिस्टेंस मिल सकती है रजिस्टर्ड वॉलेंटियर्स, कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे आसपास जो भी रजिस्टर्ड वॉलेंटियर्स हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से भी पहले आपके पास पहुँच जाएंगे. यानी ऑब्वियसली वो लिंक्ड है इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से, तो वो वॉलेंटियर्स इस तरह की कॉल पे आपके पास पहुँच जाएंगी. ये स्पेशली वुमेन के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए ये फीचर इस एप्लीकेशन में डाला गया है. और यूजली यहाँ पे स्मार्टफोन्स को हिदायत दी गई कि अगर आप अपना पावर बटन जो है स्मार्टफोन का उसको 3 times प्रेस करेंगे तो क्विक सक्सेशन में एक्टिवेट हो जाएगी आपकी पैनिक कॉल. और इनफैक्ट जो आपके फ़ोन के फीचर्स भी होते हैं, अगर आप 5 या 9 को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी पैनिक कॉल आपका एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद ऑब्वियसली एप्लीकेशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो कि गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, 112 इंडिया मोबाइल ऐप. और इसके अंदर जो 112 मोबाइल ऐप है इसके भी अपने अलग से फीचर्स हैं. 24/7 आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं. एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम है. इसमें आपका लोकेशन भी आगे वाले के पास चला जाएगा, ये इसका अलग फीचर है. और एकदम टाइमली डिस्पैच रिसोर्सेज, यानी चाहे पुलिस हो, हेल्थ हो, फायर हो या डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, आपका जो लोकेशन है इंसिडेंट्स का वहाँ पे इमीडिएटली लोग आपके पास पहुँच जाएंगे. और यहाँ पे आप ट्रैक भी रख सकते हो, इन केस कुछ ऐसा हुआ है तो पूरा प्रोग्रेस जो है इंसिडेंट्स का या किस तरह की सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं आप नेक्स्ट लेवल तक उसको ट्रैक भी कर सकते हो. और जैसे मैंने बताया हिमाचल प्रदेश आपकी फर्स्ट स्टेट बनी. उसके बाद देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है. जब हॉर्नबिल फेस्टिवल था 2018 में, तब वहाँ पे भी कोहिमा नागालैंड में भी ये ऐप जो है, ये 112 इमरजेंसी नंबर जो है वो लॉन्च किया गया. और इसलिए आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, ये प्रिलिम्स के लिए आपके फैक्ट्स हैं, फर्स्ट स्टेट है जिसने 112 को लॉन्च किया. और नागालैंड फर्स्ट है अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पहली स्टेट है. और सेकेंड स्टेट है इंडिया की जिसने पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया. तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कितना फंड गवर्नमेंट ने रखा है. तो देखिए निर्भया फंड का मकसद यही है कि वुमेन और गर्ल्स के खिलाफ जो भी वॉयलेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड जो है वो सेटअप किया है. इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका काम कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और इसको जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इस फंड को यूज़ कर सकते हैं. और इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इसकी नोडल अथॉरिटी है.
जो रिकमेंड करते हैं प्रपोजल्स या स्कीम्स किनको, जिनको फंड करना है निर्भया फंड के अंदर. तो याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इस फंड का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, लेकिन नोडल एजेंसी जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है. अब हम आते हैं नेक्स्ट जस्टिस वर्मा पैनल पे. देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, ये भी इनके रिकमेंडेशंस के बाद आया. यूनियन मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, जब मी टू कैंपेन आपकी तेज थी तब भी उन्होंने जस्टिस वर्मा पैनल के बहुत सी चीज़ों की रिकमेंडेशंस को सुना था. उसके बाद देखिए, जस्टिस वर्मा पैनल कमेटी जो है इसको सेटअप किया गया था निर्भया इंसिडेंट के बाद, दिसंबर 2012 में, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि हमारे देश में किस तरह के लॉज की ज़रूरत है कि जो क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट हम उसको कम कर सकें. देखिए, स्पेशली यहाँ पे बात की गई थी जो वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेसेस पे, उसको लेके काफ़ी रिकमेंडेशंस दी गई थी. जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाए. वैसे क्या होता है, आपके वर्क प्लेसेस पे ICC होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होता है. तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि इसकी जगह एक एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए और स्पीडी डिस्पोजल हो कंप्लेंट्स का. वुमेन के सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, कमेटी ने यहाँ पे प्रपोज किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सिविल कोर्ट की तरह नहीं चलना चाहिए. उस ट्रिब्यूनल का खुद का प्रोसीडियर होना चाहिए कि हर कंप्लेंट के साथ कैसे डील करना है. और यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में भी बात की कि डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इस एक्ट के अंदर हमको लेना चाहिए, और एम्प्लॉयर को भी लायबल रखा कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो एम्प्लॉयर भी उसके घेरे में आएगा. तो यहाँ पे पैनल ने एक बहुत ख़ास बात बोली थी कि अगर कोई विमेन फॉल्स कंप्लेंट करती है तो हमको उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा. और यहाँ पे इन्होंने टाइम लिमिट भी 3 months बोली थी कि जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी 3 महीने के अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए, और कंप्लेंट को ट्रांसफ़र नहीं करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन जिसने कंप्लेंट की है. तो आप देख सकते हैं इस तरह की रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई थी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कमेटी में कौन कौन था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS वर्मा, फॉर्मर हाईकोर्ट जस्टिस लीला सेठ, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गोपाल सुब्रमण्यम. ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये प्रिलिम्स के लिए आपके फैक्ट्स हैं. तो यहाँ पे आपके लिए मैंने ये जो रिकमेंडेशंस हैं एक बार पेन डाउन भी किए हैं. देखिए, ट्रिब्यूनल की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए कंप्लेंट्स का, और ये भी बताया कि कब बनाई गई थी निर्भया गैंगरेप केस 2012 के बाद. देखिए, जब इन्होंने अपना जस्टिस वर्मा कमेटी ने सबमिट किया था, उस टाइम जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस बिल है वो भी पेंडिंग था अपर हाउस में पार्लियामेंट के, तो उस टाइम कमेटी ने टर्म किया था कि ये जो बिल है बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है. यहाँ पे जो स्पिरिट है विशाखा गाइडलाइंस की, देखिए ये अलग से गाइडलाइंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया था 1997 में कि हम वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं. तो ये चीज़, ये बयान जस्टिस वर्मा कमेटी ने दिया था. बाकी रिकमेंडेशंस तो हम इसके डिस्कस कर ही चुके हैं. तो देखिए, अब जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद हम फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं 112. तो जैसे मैंने बताया, बहुत जगह आपका जो यूरोपियन इमरजेंसी नंबर एसोसिएशन है वहाँ पर भी यही नंबर यूज़ होता है पूरे यूरोप में. यूरोप में जब ये नंबर लाया गया था तो जो रीजन साइट किए गए थे इसको लाने के, ऑब्वियसली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी तो एक नंबर वन रीज़न था, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीज़न कि 112 क्यों है, क्योंकि ये न्यूमेरिक कीपैड्स की बात थी जो हम आज यूज़ करते हैं. तो 2 different डिजिट्स तो ज़रूर होने चाहिए, वरना एक्सीडेंटली हम सेम जो एक्सीडेंटल कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जा सकती हैं, जो बच्चे हैं या वाइब्रेशंस हैं या डिफेक्टिव कीज़ की वजह से या कोलिजन्स की वजह से मोबाइल में गलती से भी प्रेस हो सकता है. सच एज UK में पहले 999 था, तो 999 कई बार ऐसे ही अगर आपके पॉकेट में फ़ोन होगा तो भी प्रेस होता रहेगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये नंबर डिसाइड किया गया था. यूरोप में तो इनफैक्ट यूरोपियन 112 डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन ये
रेज करते हैं अवेयरनेस यूरोप में कि जो अवेलेबिलिटी है एडवांटेजेस की यूरोपियन इमरजेंसी कॉल नंबर की 112, तो इंडिया में भी कुछ ऐसा दिन होना चाहिए. यूरोप में ऑलमोस्ट आई थिंक 11 फरवरी को 112 डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. इंडिया में भी इस तरह का कोई दिन रखना चाहिए ताकि हम लोगों को अवेयर करें कि उनके पास ये इमरजेंसी नंबर अवेलेबल है. राइट, तो यही था हमारा आज का डिस्कशन. थैंक यू. और देखिए, ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू. अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जहां पे 100% कवरेज आपको यूपीएससी वास्ट सिलेबस का मिलेगा. डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे. सेल्फ पेस्ड लर्निंग है. ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अब ये कोर्स आप प्रति महीना 625 रुपये लेके भी खरीद सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं. साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं. मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. थैंक यू. कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं. थैंक यू.